हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र प्रताप आप लोगों के लिए आज हिंदी का कक्षा 10 का मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं, जिसके पैटर्न के आधार पर ही 2024 की बोर्ड परीक्षा होनी है। बस उसमें क्वेश्चंस चेंज रहेंगे, बाकी पूरा पैटर्न यही रहेगा। तो फ्रेंड, इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का फुल टाइम मिलेगा तथा इसका पूर्णांक यानी टोटल मार्क 70 नंबर का है। इसमें कुछ निर्देशांक दिए रहे होंगे जिसको आप 15 मिनट में पढ़ सकते हैं तथा यह प्रश्न पत्र 2 आ और बा खंड में विभाजित है तथा इस प्रश्न पत्र में आ प्रश्न पत्र में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिन्हें हम नीले या काले पेन से ओमार शीट पर गोला काला करेंगे तथा ओमार शीट पर आपको वाइटनर का यूज़ नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं 2024 का यूपी बोर्ड का पैटर्न क्या रहने वाला है। यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ है जो पूर्णांक 20 नंबर का है तथा प्रत्येक प्रश्न को आपका 1 अंक मिला है तथा इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? पहला ऑप्शन दिया है भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग और तीसरा शुक्ल युग, चौथा शुल्कोत्तर युग। तो आपको पता रहना चाहिए बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं, तो यहाँ पर द्विवेदी युग आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन आता है आपका निबंध, दूसरा आता है कविता, तीसरा नाटक तथा चौथा कहानी। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निबंध। तथा ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चिंतामणि किस लेखक ने लिखी है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आपको वो टिक करना है। अगला क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर कबंध किस रचना है, किसकी रचना है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा निराला, चौथा है हरि कृष्ण प्रेमी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन गबन मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शुक्ल युग की समय अवधि है। तो पहला ऑप्शन दिया है 1936 से 1943 तक, और दूसरा 1919 से 1938 तक, तीसरा 1900 से 1918 और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 1919 से 1938 तक। साथ ही आपको ये भी पता रहना चाहिए कि भारतेंदु युग की समय अवधि कब से कब तक रही, और द्विवेदी युग की और तथा शुक्लोत्तर युग की, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, नीड का निर्माण किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जीवनी, दूसरा आत्मकथा, तीसरा साक्षात्कार भेंटवार्ता जिसे कहते हैं, तथा चौथा है डी रेखाचित्र। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, आत्मकथा। देखिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है छठा, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? यहाँ पर ऑप्शन ए है द्विवेदी युग, तीसरा प्रगतिवादी युग, दूसरा भारतेंदु युग और चौथा छायावादी युग। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, द्विवेदी युग। अगला क्वेश्चन आता है, मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिओत, हरिवंश राय बच्चन या सुमिता पंत। तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी करेक्ट हो जाएंगे, हरिवंश राय बच्चन जी ने मधुशाला की रचना करी थी। अगला है, भारत भारती किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन सियाराम शरण गुप्त, दूसरा मैथिली शरण गुप्त और चौथा जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, मैथिली शरण गुप्त। अगला पढ़ेंगे, आधुनिक काल कब से कब तक रहा? तो यहाँ पर सन 1843 से अब तक या 1643 ईस्वी से 1843 तक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1843 से अब तक। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन देखेंगे, मतीराम किस युग के कवि हैं? तो पहला आधुनिक काल, दूसरा आदिकाल, तीसरा भक्ति काल और चौथा रीतिकाल। यहाँ पर मतीराम डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रीतिकाल के कवि थे मतीराम जी। अगला, हास्य रस का स्थायी भाव है? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। इसके साथ में आपको परिभाषा भी पूछ सकता है या और भी रस पूछ सकता है, जैसे क्रोध का स्थायी भाव क्या है, ठीक इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सेल पर आपत्ति पड़े प्रभास, उपत्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है उपमा अलंकार, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो
यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 दिया है, 2 दिया है, 4 या 5। तो यहाँ पर रोला छंद में आपके 4 चरण होते हैं। आगे बढ़ेंगे। आकर्षक शब्द में किस का उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर आकर्षक में आप देखेंगे आ प्लस कर्षक से मिलकर बना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वी, दूसरा मान और तीसरा अक और चौथा आ। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आ। अगला है 15। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? पहला है 2, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 3। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? तो एक साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 ऑप्शन सही कर ले। अगला है पीताम्बर में कौन सा समास है? पहला कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर पीला पीताम्बर यानी पीला है जिसका अंबर, यानी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला आगे क्वेश्चन देखेंगे। आंसू का तत्सम रूप है? तो यहाँ पर देखेंगे अश्रु, अश्रु, रोना या आंख। तो आंसू का अश्रु हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कर्तव्यवाचक में किसकी प्रधानता है? तो कर्तव्यवाचक शब्द से ही पता चल रहा है कि इसमें किसकी प्रधानता है, तो इसमें हो जाएगी कर्ता की प्रधानता। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कर्ता की प्रधानता। अगला है ताभ्या, ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति है। तो यहाँ पर आपका पहला षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन और षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको किसी का भी रूप पड़ सकता है, राम का भी पूछ सकता है, आत्मा का भी पूछ सकता है। तो आपको ये याद करके जाना है और कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा 19 का डी, डी सही हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। अगला निम्न में से सर्वनाम है? तो मनुष्य या बचपन या वह, इनमें से कोई नहीं। देखो तो सर्वनाम क्या होता है, जिसे हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, जैसे कि राम है, राम वहाँ जा रहा है। अब ऐसे हम कह सकते हैं वह वहाँ जा रहा है, तो इसलिए सर्वनाम यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी, वह। इस प्रकार हमारे 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल हो गए हैं। तथा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं 6 पेपर के आप तक मॉडल पेपर हल करके पहुंचाऊं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सबसे पहले आप तक मैं वीडियो पहुंचा सकूं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यहाँ पर संदर्भ के लिए आपको यह पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। इसमें लिखा है, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। तो यहाँ पर आपको मित्रता से ही पता चल जा रहा है कि यह कहाँ से लिया गया है, यह मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो संदर्भ में हमें लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से ली गई हैं, तथा इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हल हो गया। आगे आती है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करने को। तो यहाँ पर आपको व्याख्या 2 नंबर की है, तो आपको कम से कम वहाँ पर आधे पेज से ज़्यादा की ही व्याख्या करना, जिससे आपको नंबर में एग्जामिनर कोई कटौती ना कर पाए। अगला भी क्वेश्चन ऐसे ही है, आगे बढ़ेंगे। इसी तरह अथवा में है, यदि आपको यह पहला वाला नहीं आता है तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, इसमें लिखा है, चरण कमल बंधव हरिराई, जा की कृपा पंग गिरी ना गए, अंधों को सब कुछ दर्शाई, पहिरो सुने गूंगो पुनि बोले, रंक चले सिर छात छराई, सूर स्वामी करुणामय बार बार बंधव दिह पाए। तो इस पद्यांश को आपको पढ़ करके आपको जान लेना है कि यह किस लेखक ने लिखा है तथा किस पाठ से है। तो इसका संदर्भ हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के पद से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। तो यहाँ पर दूसरा आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बहिरा सुने गूंगो पुनि बोले, तो यानी बहरा सुन रहा है तथा तो गूंगा पुनः बोल रहा है, और रंक चले सिर छात्र धराए, और रंक भी है जो यहाँ पर उनकी कृपा होने से सीना तान कर चल रहा है। इस तरह से आपको बनाकर और बड़ा करके लिखना है।
आगे क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर अलंकार जानने के लिए आपको पता अलंकार पढ़ा होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है चरण कमल बंधव हरिराई, यानी चरण के समान कमलों वाले, अर्थात चरण के समान कमलों वाले, तो इसका अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर सुनि सुंदर वेन सुधामय साय सयाने जाकी जान भली, तो इसका आपको देख लेना है, ये वन पथ पर से लिया गया है, तो इसका संदर्भ यह हो जाएगा प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य से वन पथ पर से लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इसी तरह आपको ये वाला भी क्वेश्चन करना है, इन दोनों में सर एक ही क्वेश्चन करना है जो 6 नंबर का रहेगा। ओके दैट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगला आ जाता है हिंदी में इसकी अनुवाद करनी होगी गद्यांश में, जो 5 नंबर का दिया होगा, तथा इसके साथ ही आपको संदर्भ भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये इसका अनुवाद हम करते हैं, पहले हम पढ़ के जानेंगे ये पद्यांश कौन से लेसन से लिया गया है। तो ऐसा नगरीय भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाम केंद्र स्थल अस्ति, तो यह नगरी ये, तो इसको पढ़ के हम जानेंगे, यह तो इसका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड से लिया गया है, संस्कृत खंड से लिया गया है, जिसका शीर्षक वाराणसी है, क्योंकि इसमें लेखक का नाम दिया नहीं रहता है, ये बहुत ही पुरानी होती है भाषा है, इसीलिए आपको लेखक का नाम भी नहीं लिखना है। तो इसका अनुवाद करना है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, यानी यह नगरी भारत संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, इसी तरह आपको पूरा अनुवाद करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये तो अगर आपको ये वाला आता है तो करिए, वरना दूसरा ये वाला आप देखेंगे मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। तो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति से लिया गया है, जिसको आपको अनुवाद करके लिखना है, संदर्भ भी लिखना है, संदर्भ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो 2 नंबर का होगा, और यहाँ पर 3 नंबर की अनुवाद हो जाती है। आगे फिर इसका देखते हैं संस्कृत पद्यांश में भी इसी तरह रहेगा, इसमें मान हित्या प्रिय भवंतो हित्वा न सोचते, तो इसका भी संदर्भ लिखना है प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के जीवन सूत्रों नामक पाठ से लिए गए हैं, इसी तरह आपको करना रहेगा, और इसकी हिंदी भी अनुवाद करनी है। और इन दोनों में से जो आपको आता है अगला देखिए सरल है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कचिचित् दुख भाग भवेत्। तो इसी तरह आपको इन दोनों में से जो आसान लगता है वो अलग करना है। अगला क्वेश्चन है, अपने ये पठित खंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यह आपके जिले में जो भी पढ़ाया जाता है वहीं से आपको देखकर लिख लेना है, इन दोनों में से एक का ही उत्तर देना है, तो यह 3 नंबर का है, तो आपको इसे 1 से 1.5 पन्ने के बीच में करना है, और स्पष्ट राइटिंग में हेडिंग वगैरह डाल के करनी है, ताकि ये अच्छे से यह टीचर वहाँ पर नंबर दे पाए। आगे बढ़ते हैं और 6ठा प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दिए गए लेखक में से किसी एक की जीवनी करनी है, उनका उनकी एक प्रमुख रचना का भी उल्लेख करना है, तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद दिए गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी दिए हैं, यह आपका प्रश्न 5 नंबर में आता है। तो इन तीनों में से किसी एक का ही जीवन परिचय लिखना है, किसी एक का ही तथा उस उनकी एक प्रमुख रचना करनी है, तो यहाँ पर कवियों का भी जीवन परिचय उसी प्रकार लिखना है, एक की रचना करनी है लिखनी है, और बाकी उनका जीवन परिचय लिखना है। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास हो गए, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय, जिसका आपको आसान लगता हो आता हो वही करना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं प्रश्न, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्य श्लोक लिखिए जो याद करा हुआ हो, जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं, जो एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पर भारतीय संस्कृति मूल किम अस्ति, और पूर्व राजा का असीत, चंद्रशेखर का असीत, वीरा केन पूजते, तो वीरा वीरेण पूजते, चंद्रशेखर एक क्रांतिकारी, इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस कर देने हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं फिलहाल, तो 2 ही क्वेश्चन करिएगा और जो स्पष्ट रूप से याद हो। आगे देखते हैं, यहाँ पर निबंध की बात कर लेते हैं, यहाँ पर निबंध दिया गया है प्रश्न संख्या 9 पर, तो
तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 ध्यान में रखेंगे। यहाँ ये 7 नंबर का सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर मिला है हम लोग को, पर्यावरण संरक्षण के उपाय। तो एक टॉपिक ये हो जाता है आतंकवाद का कारण निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण। यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, यहाँ पर आपको निबंध लिखने का तरीका क्या होता है, पहले आपको रूपरेखा लिखनी है हेडिंग डाल के। जैसे आपने यहाँ पर हेडिंग डाली तो उसके एक लाइन छोड़ के यहाँ से लिखना चालू कर दिया, और दूसरा आपने रूपरेखा पहले हल करनी, फिर प्रस्तावना लिखनी है, फिर आपको उसकी पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण के प्रकार किस तरह से उपाय कर सकते हैं, इससे हानि क्या हो रही है तथा इसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं तथा निष्कर्ष, ये सारी हेडिंग डाल के आपको रूपरेखा में भी लिखनी है तथा हेडिंग डाल के पूरा आपको उतारना है। एक बार अपनी बुक में देख लीजिएगा, उसी तरह पर्यावरण पे आप पूरा निबंध करेंगे। ये आपका मुख्य टॉपिक हो जाता है क्योंकि 7 नंबर का होता है, इसे कतई नहीं छोड़ना है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, अपनी विशेष रुचि का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है इसमें। तो आप आसानी से अपने मित्र को एक पत्र लिख सकते हैं। अगला इसमें अथवा करके दिया है, जो आपको आता है वही करिएगा। उसमें दूसरा ऑप्शन है उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायत पत्र लिखते हुए, जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार, जो आपने टिकट यानी टीटी के द्वारा जो अश्लीलता वाला व्यवहार किया गया है, अभद्र व्यवहार किया गया है, तो उसका उल्लेख करते हुए अपने निरीक्षक उत्तर मध्य रेलवे को शिकायत करते हुए आप पत्र लिखेंगे। तो यहीं पर हमारे पेपर का एंड होता है, और आप देख सकते हैं किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। बस यही पैटर्न रहेगा 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम का, बस थोड़े क्वेश्चंस चेंज होंगे और कुछ क्वेश्चंस तो इसी में से भी मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं 5 पेपर की वीडियो अपलोड करके आप तक पहुँचाऊँ, तो मेरे चैनल एन्जॉय नॉलेज विथ देवू को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जल्दी से जल्दी आप तक वीडियो पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा।